तो यहां पर आपको y का मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। ध्यान दीजिए बच्चा, y का कौन सा वैल्यू मिल जाएगा बेटा? मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो आपके पास लिख देंगे हम यहां पर हियर, ये इसका ग्राफ हो गया, दिस पहले वी शेप एंड देन बिल्डिंग। तो जरा बाबू जरा ध्यान दीजिए, हियर मिडल टर्म इज एट x बराबर दो मिडल टर्म है, बीच का आदमी वही है, तीन लोग हैं तो बीच का यही होगा। तो हम लिखेंगे हेंस, बहुत आसान सा सवाल है, मिनिमम ये मतलब आउटपुट होता है, तो ये x बराबर टू क्या हो गया इस केस में? मिनिमम, ये मा हो गया तो ये मम। तो y का मिनिमम वैल्यू या fx का मिनिमम वैल्यू एक ही बात है, x बराबर दो दर दो में से एक गया, दो माइनस एक मॉड अब तो लेंगे, दो माइनस दो जीरो और दो माइनस तीन माइनस वन का मॉड वन, तो वैल्यू कितनी आ गई? टू। तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा? टू। दिस इज योर आंसर, y मिनिमम बराबर टू, उतार लीजिए। तो मैंने ऐसे क्लू बताया कि हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा मिडल टर्म पर डिफाइन होगी। तो मिडल टर्म जब, जैसे मान लीजिए चार लोग हैं तो मिडल टर्म दूसरा भी होगा और तीसरा भी होगा, तो चाहे दूसरे पे निकालो चाहे तीसरे पे निकालो चाहे उनके बीच में कहीं भी निकालो, चाहे उनके बीच में कहीं भी निकालो। तो ये बात पहले आप नोट कर लीजिए, आपका एक क्वेश्चन मैंने हल कर दिया। अब जैसे मान लीजिए, एक और बात करते हैं, मैं मेरी तरफ से इसमें एग्जाम्पल और कराऊं, मैं मेरी तरफ से इसके ऊपर और एग्जाम्पल कराऊं। क्वेश्चन नंबर 12 ही है, अभी मैंने आपसे कहा कि भाई फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ शॉर्ट लिख रहा हूं fx बराबर, बहुत छोटा सा सवाल लूंगा पहले, मॉड x प्लस वन एंड मॉड x प्लस टू करके देखते हैं। कितनी संख्या में मॉड है? इवन, दो मॉड है इवन संख्या में। तो बताइए मिडल टर्म आप देखिए, पहले ग्राफ बनाएंगे तो इसे पकड़ के जीरो किया, x बराबर माइनस वन और x बराबर माइनस टू, तो क्या करेंगे भाई, ग्राफ इधर बनेगा, इधर कौन है साहब? माइनस टू, इधर है माइनस वन, पहले बनेगी फ्लैट इन दोनों के बीच, अब बनेगी बिल्डिंग। ये मैं बता रहा था कि जब इवन संख्या में मोड होंगे तो पहले फ्लैट बनेगा देन बिल्डिंग, और अगर ऑड संख्या में मोड होंगे तो पहले वी शेप बनेगा फिर बिल्डिंग, ठीक। तो ये बताइए मिनिमम वैल्यू इसके ऊपर कहीं भी आएगी, यही वाई की मिनिमम वैल्यू है, तो चाहे आप माइनस टू लो चाहे माइनस वन लो चाहे इन दोनों के बीच कहीं भी लो, चाहे इन दोनों का सम ले लो, माइनस टू माइनस वन बाई टू ले लो, मिडल टर्म आएगा ना, दोनों को जोड़ के दो का भाग लगा दो, तो मिनिमम वैल्यू चाहे यहां निकालो चाहे यहां निकालो। तो मैंने बोला मिनिमम वैल्यू एट एक्स बराबर माइनस वन, चाहे माइनस टू, चाहे एक्स बराबर माइनस वन माइनस टू बाई टू, चाहे एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से लेकर सॉरी माइनस टू से माइनस वन के बीच में कहीं भी कोई भी बिंदु ले लो, क्योंकि सारे बिंदु तो फ्लैट ही है ना, ऐसे ही तो है, तो सब नीचे से समान दूरी पर है, तो आप इसमें चाहे इस पे निकालो चाहे इस पे निकालो चाहे इस पे निकालो, हर जगह वैल्यू सेम ही आएगी। तो बस खेल खत्म। तो y का मिनिमम वैल्यू यहां से निकाल दीजिए, माइनस वन ही डाल दिया तो ये क्या देगा? जीरो। और माइनस वन प्लस टू डाल दिया तो ये वन देगा, तो वैल्यू कितनी आ गई? वन। तो यहां से y का मिनिमम वैल्यू कितना? वन। सारे एक ही तो लाइन पर खड़े रहेंगे, मतलब ये दूरी हर जगह कितनी है? वन है। तो y का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया? तो वो वन आ गया। मैंने ये क्यों लिखा? क्योंकि माइनस टू से माइनस वन के बीच में कहीं भी निकालो, चाहे ये डालो चाहे ये डालो, सबके लिए तो वैल्यू सेम ही है ना यार, सारी वैल्यू, ये तो वन ही दिख रहा ना, तो आप किसी भी बिंदु पे निकालो आंसर मेरा क्या आएगा? सेम आएगा आंसर मेरा क्या आएगा? तो वो सेम आएगा। उतार डालिए इसको जल्दी से, इसे उतार डालिए जल्दी से। अच्छा एक और सवाल कर लेते, इसे अब मिटा देते, नबी टेक द वन मोर क्वेश्चन, हम इसके ऊपर और एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y बराबर मॉड x माइनस वन मॉड x माइनस टू एंड अप टू मॉड x माइनस 21, ये 21 मॉड ले लिए,
तो भैया एक से लेकर 21, अब इसका ग्राफ बनाना तो पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी बिल्डिंग बनेंगी, तो हमें ग्राफ से मतलब ही नहीं है, हमें तो इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो आप तो मिडल टर्म पहचानो। तो मिडल टर्म आपके पास सॉल्यूशन कैसे करेंगे इस केस में, ऑड संख्या में मॉड है, 21 मॉड है, मतलब मिडल टर्म कहां पर आएगा, 9 पे या 10 पे, 10 पे आएगा। तो 10 पे आएगा, जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 नंबर है, और 10 के बाद इधर 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे ही आइडिया दे रहा हूं, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। देखो भाई, इधर से इधर काउंट करो, ये 10, इधर से इधर काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 14 था ना, 9, 10, तो मिडल टर्म यहां है, ये मिडल टर्म है, मिडल टर्म एट एक्स बराबर 11, खेल खत्म हो गया। यही जो एक्स बराबर 11 है ना, यही मिनिमा है, एक्स की वैल्यू माँ होती है, एक्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, माँ होती है। तो पुट एक्स बराबर 11, इसमें 11 डाल दीजिए, तो वाई की मिनिमम वैल्यू कितनी, बोलिए वाई की मिनिमम वैल्यू कितनी, 11 में से 1 गया, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और फिर बीच में 0, फिर 1, 2, 3 एंड अप टू कितना, 11 में से 21 गया, तो 10 बचेगा। जरा ध्यान दीजिए, 1 से लेकर 10 इधर है, 1 से लेकर 10 इधर है, मतलब ये दो बार लिखा हुआ है, तो आप कैसे निकालोगे, 2 टाइम्स 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड अप टू कितना, 10, 1 प्लस 2 प्लस ये कितना, 10। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2 तो बाहर आएगा, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, नेचुरल नंबर का फॉर्मूला, 2 से 2 कट गया, n का वैल्यू कितना है, 10, 10 इंटू कितना, 11 बराबर 110। तो 110 इज अ मिनिमम वैल्यू आ गई, मिनिमम वैल्यू आ गई 110। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, चाहे वो कितने भी मॉड ऐड कर दे, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हम इसी लॉजिक से निकाल लेंगे। हमको तो मिडल टर्म पहचानना आना चाहिए, हमको तो मिडल टर्म क्या आना चाहिए बेचा, पहचानना आना चाहिए, उतार लीजिए इसको। तो इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, और ये बड़े आसान से सवाल होते हैं, इसमें कोई बड़ी चीजें होती नहीं। तो ये मैंने थोड़ी सी थ्योरी इसके बारे में बता दी। तो जब ऑड संख्या में मॉड होंगे तो पहले वी शेप बनेगा, देन बिल्डिंग बनेगी, और जब इवन संख्या में मॉड होंगे तो पहले फ्लैट लाइन बनेगी, फिर बिल्डिंग बनेगी, ठीक है। और मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू हमेशा मिडल टर्म के ऊपर निकलेगी, तो बस उसका मिडल टर्म पता कर लो, उसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा, उसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा, उसके बाद तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो ही जाएगा। तो अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, तो देखते हैं 13 नंबर, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो भाई देखो, लॉग बेस 10 माइनस एक्स लिखा हुआ है, बराबर लिखा हुआ है इक्वेशन, लॉग बेस 10 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो पहले तो एक काम करो, अंडर रूट भी है और लॉग भी है, तो पहले तो उन्हें डिफाइन करो भाई। तो देखो साहब क्या क्या इसको सॉल्व करेंगे, तो पहली बात, अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब मॉड एक्स होता है, मॉड एक्स की परिभाषा आप लोग जानते ही हैं बखूबी, एक्स होता है जब एक्स का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होता है, और माइनस एक्स होता है जब एक्स का वैल्यू 0 से छोटा होता है, करेक्ट। ये बात मेरी शायद आपको समझ में आ रही होगी। तो यहां पे मॉड एक्स का वैल्यू दिस इक्वल्स टू दिस, अब जरा ध्यान दीजिए, दूसरी बात, लॉग को डिफाइन करोगे तो ये आर्ग्यूमेंट, ये फॉर डिफाइन लॉग क्या होगा साहब, माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, तो एक्स लेस देन 0, तो मेरा जो आंसर आएगा ना भाई, वो इसी में से आएगा, ये मेरा इसका डोमेन है, मेरा आंसर इसी में से आएगा, अगर इसी में से आंसर आ रहा है तो मेरा काम चल जाएगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो ठीक, आ जाओ कैसे करें साहब, तो ये क्या लिखा हुआ इधर, अंडर रूट लॉग बेस 10 माइनस एक्स बराबर, इधर कितना आएगा, तो ये लॉग बेस 10 मॉड एक्स, अच्छा एक्स आपको पता है नेगेटिव है, तो एक्स नेगेटिव है तो इसकी जगह माइनस एक्स लिखेंगे, तो ये कितना मिलेगा बोलो, लॉग बेस 10 माइनस एक्स बराबर, ये भी क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 माइनस एक्स,
एक जैसी चीजों दिख रही है यहां पे, टी मान लेते हैं, तो टी मानो या डायरेक्ट स्क्वायर करो ना यार, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इधर कितना मिलेगा, लॉग बेस 10 माइनस एक्स बराबर कितना, लॉग बेस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब मान लेते हैं, लेट लॉग बेस 10 माइनस एक्स को टी माना, तो ये कितना हो जाएगा, टी बराबर टी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, टी कॉमन आ गया, 1 माइनस टी बराबर 0। अच्छा एक बात बताओ, ये इक्वेशन है तो इसमें इस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, प्लस बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो टी की वैल्यू कितनी, एक तो 0 और एक टी का वैल्यू कितना, तो 1। लेकिन मुझे टी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कौन, टी नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए कौन, एक्स चाहिए, एक्स चाहिए। तो मैं यहां पे देखता हूं, मैं एक सेकंड के लिए इस क्वेश्चन को यहां से एक बार हटा देता हूं, और फिर यहां पर या फिर इस मोहल्ले को हटा ही देता हूं, इस वाले को, इस वाले पोर्शन को मैं हटा ही देता हूं। तो टी बराबर 0 था, तो पहले टी बराबर 0, तो लॉग बेस 10 माइनस एक्स बराबर कितना, 0 लिया। दूसरी खेप में मैंने क्या लिया, लॉग बेस 10 माइनस एक्स बराबर कितना लिया, तो 1 लिया। तो माइनस एक्स बराबर 10 की पावर 0 हो गया, और माइनस एक्स बराबर 10 की पावर 1 हो गया। तो ये एक्स बराबर माइनस 1 हो गया, और एक्स बराबर तो माइनस कितना हो गया भाई, वो 10 हो गया। अच्छा क्या है, दोनों ही बंदे नेगेटिव हैं, हाँ दोनों ही बंदे 0 से छोटे हैं, इसका मतलब दोनों ही एक्स की वैल्यू एक्सेप्टेबल है। तो हैंस नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हैंस नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू व्हाट, 2। उनके नाम क्या क्या है, एक का नाम माइनस 1 है, दूसरे का नाम माइनस 10 है, जो कि दोनों उसके डोमेन से आ रहे हैं। उतार लीजिए, इसे भी आप उतार लीजिए। तो इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो आएगा एग्जैक्टली 2। तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं थी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर किस पर बात करते हैं, 14 पे बात करते हैं। तो आपने इसको उतार लिया होगा। Now we talk about the question number 14. Question number 14 पे बात करते हैं। हमको कह रहा है question number 14 क्या, तो देखते हैं भाई क्या कह रहा है 14 नंबर। अच्छा ये देखिए 14 नंबर, 14 नंबर में एक गड़बड़ थी, गड़बड़ आंसर इनकम्प्लीट है, स्टार लगा दिया मैंने डबल, क्योंकि 1 से इन्फिनिटी जो दे रखा है उसके अलावा भी कुछ आंसर में आना चाहिए। लेकिन ठीक है, बीच जिसने टिक मार दिया उसका सही हो गया, लेकिन गलत है वो, 1 से इन्फिनिटी नहीं आएगा, और भी आएगा। तो क्या लिखा हुआ साहब, यहां मॉड एक्स प्लस एक्स बाई एक्स माइनस 1 बराबर, बराबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बाई मॉड एक्स माइनस 1, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं बताइए। पहले तो इधर मॉड है, इधर मॉड नहीं है, तो पहली बात एक्स स्क्वायर बराबर ऐसा लिख सकते हैं, हाँ बोले साहब लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का मॉड ऐसा भी लिखा जा सकता है। दूसरी बात, अगर एक साथ मॉड लगा हुआ है तो उसे आप अलग अलग कर सकते हैं, और अगर अलग अलग लगा हुआ है तो उसे एक साथ कर सकते हैं, बस बीज क्या नहीं होना चाहिए, 0। सही बात। तो अब हम यहां पर आ जाएंगे, तो यह लिखा हुआ है मॉड एक्स, मॉड एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 बराबर, इसकी जगह मैंने मॉड लगाया तो ये मिला एक्स स्क्वायर बटा एक्स माइनस 1 का इंटायर मॉड। अब एक आदमी को मैंने, इसको मैंने कैपिटल एक्स माना, इसको मैंने कैपिटल वाई माना। अब या तो ये बंदा कैपिटल एक्स प्लस वाई है, और या फिर एक्स माइनस वाई है। तो चेक करते हैं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ा, जोड़ने से चेक करते हैं पहले, तो एलसीएम आएगा एक्स माइनस 1 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और प्लस कितना एक्स। तो देखिए आप, अगर आप चाहते हैं एक प्रॉपर्टी हमारे पास, मैं इन दोनों को जोड़ना चाहता हूं, चेक कर रहा हूं, चेक याद करिए मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, चेक कर रहा हूं, एक्स प्लस एक्स बाई एक्स माइनस 1, आई एम चेकिंग दिस क्या आ रहा है, एलसीएम इज एक्स माइनस 1, इधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो
तो ऊपर में एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो दोनों को जोड़ने से आ रहा है, ये कट गया, मतलब ये मेरा कैपिटल एक्स है और ये मेरा कैपिटल वाई है। तो आप देखिए साहब, ये मेरा एक्स प्लस वाई आ रहा है। तो मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, वी नो दैट मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बराबर, अगर एक्स प्लस वाई का मॉड हो तो ये तभी होगा जब एक्स और वाई का प्रोडक्ट जीरो या जीरो से बड़ा हो। दोनों की जात सेम तो दोनों का प्रोडक्ट जीरो से बड़ा होगा। तो भाई दोनों आदमी कौन है? एक आदमी एक्स है और दूसरा एक्स बटा एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो है। ये एक्स स्क्वायर हो गया, नंबर लाइन पे सॉल्व किया, ये जीरो है, ये वन है। जीरो एक्स स्क्वायर है तो ये प्लस है, ये माइनस है और ये माइनस ही है। एक्स बराबर वन पर लगेगा गोला, मुझे पॉजिटिव रीजन चाहिए तो एक्स बिलोंग्स टू वन से इंफिनिटी, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जीरो एक्स बराबर जीरो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जीरो जीरो जीरो, एक्स बराबर जीरो रखने पे दोनों तरफ जीरो जीरो आ रहा है। इसीलिए वो याद करिए, एक मेथड बताया था मैंने इनइक्वालिटी में, इवन पावर जब हो तो क्रॉस चेक कर लेना चाहिए तो जीरो। ये मेरा कंप्लीट आंसर है, जो कि आपके आंसर्स में गड़बड़ लिख रखा है, वहां जीरो छूट गया था, इसको भी मैंने करेक्ट कर दिया है। द आंसर इज बी, द आंसर इज बी, इसे भी आप उतार लीजिए, इसे भी आप जल्दी से जल्दी उतार लीजिए, इसे भी आप जल्दी से जल्दी उतार लीजिए। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 15 की, 14 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 नंबर क्वेश्चंस की मैं बात करने जा रहा हूं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो ये है, बाबा मॉड एक्स माइनस टू की पावर 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर कितना लिखा बेटा, 1। कह रहा है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, एग्जैक्टली 4, एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 2 और एग्जैक्टली 1, इस टाइप के आपसे वो पूछ रहा है। चलो ठीक है, सॉल्व किया जाए। मैंने आपको एक फंडा पढ़ाया था, सर व्हाट इज फंडा, तो मैं यहां लिख देता हूं फंडा। अंडे का फंडा इज दिस, फंडा ये था कि यदि x की पावर y बराबर 1 है तो ये 1 कैसे कैसे आ सकता है बताइए। तो पहली बात, ये y 0 हो जाए या फिर ये x 1 हो जाए, बेस ही 1 हो जाए, या फिर बेस जो है सबके बीच में और है, जो बेस है ना बेस x बराबर तो माइनस 1 हो जाए एंड y को फिर इवन होना पड़ेगा। ये तीन केस बनते हैं, या तो ये जीरो बन जाए, किसी भी नंबर की पावर जीरो कितना हो जाए, 1, या फिर बेस 1 हो जाए, 1 की पावर कितनी भी करो 1 ही आएगा, आपको अल्टीमेटली 1 लाना है, या फिर ये माइनस 1 आ जाए नीचे वाला और इसके ऊपर इवन, तो नेगेटिव की पावर इवन हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो ऐसा। तो बस खेल खत्म। पहला केस यहां पे क्या बोलोगे, ये जीरो हो जाए तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर जीरो, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस कितना 3 × 3 = 9 माइनस 9x माइनस x प्लस 3 बराबर जीरो। तो ये x बराबर एक तो 3 मिल रहा है और एक x बराबर 1/3 मिल रहा है, यहां से दो वैल्यू मिली। केस नंबर 2 पर चलो भाई, केस नंबर 2 क्या होगा कि भाई डिनोमिनेटर 1 हो जाए, सॉरी बेस 1 हो जाए, तो ये लो भाई मॉड की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करो, x माइनस 2 बराबर प्लस माइनस 1, तो x बराबर एक तो वैल्यू आ जाएगी 3 और एक वैल्यू आ जाएगी x बराबर 1। और तीसरा केस होगा नहीं, कैसे पूछो कि x माइनस 2 बराबर माइनस 1, ये हो ही नहीं सकता, तो ये केस हम ले ही नहीं सकते, सबके बीच में और है तो हम सबको एक जगह कलेक्ट करके लिखें। अब तीन तीन दो बार आ चुका, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि सॉल्यूशन हमेशा डिफरेंट होता है, एक जैसी अगर वैल्यू आ रही है तो सॉल्यूशन में काउंट नहीं होगी, लेकिन रूट्स जो होता है सॉल्यूशन हमेशा रियल होता है और डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट होने के नाते हमारे पास इसको एक ही बार काउंट करेंगे, तो 1, 2, 3, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना 3, एग्जैक्टली 3। सो अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन है,
भविष्य में आ भी सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो इसका जो आंसर मिलेगा ना वो एग्जैक्टली 3। आंसर इज व्हाट? बी। आंसर इज बी। नाउ बी पे, बी के बाद अगले क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर किस पर बात करेंगे हम? 16। 15 के बाद बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चंस, देखिए फंडा आपको याद होना चाहिए और अगर हमेशा याद रहेगा तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं, किसके लिए बात करेंगे भाई? तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16। क्या है भाई 16 नंबर सवाल? नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, लो लॉग बेस 10 7x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस लॉग बेस 10 और ये है 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 2। चलो भाई जल्दी से कर लेते हैं, इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे रियल जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना? पहली बात, लॉगरिथम इक्वेशन है, लॉगरिथम इक्वेशन है, बेस सेम होना चाहिए। हाँ है, लॉग एम प्लस लॉग एन, प्रॉपर्टी बताइए भाई क्या लिखोगे इसके अंदर हम लोग? अच्छा एक काम और कर लें क्या, ज्यादा बेहतर है, 2 को पहले आगे कुदा दो। लो भाई कुदा देते, तो ये आ जाएगा 2 लॉग बेस 10, 2 कॉमन भी आ जाएगा, 7x माइनस 9 है ना, इनटू डायरेक्ट लिखते हैं ना 3x माइनस 4 और बराबर कितना तो साहब 2। ये 2 2 गया, कैंसिल कैंसिल। तो यहां पर मेरे पास जो वैल्यू मिली वो क्या मिलेगी भाई? अगर ये यहाँ से 2 2 यहाँ से क्या हो गया मेरे पास, कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 बचेगा, नहीं 1 बचेगा तो कितना मिलेगा, 7x माइनस 9 इंटू 3x माइनस 4 बराबर 10 आ गया। अब ये बनेगी मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 7 3 21 एक्स स्क्वायर, 21 एक्स स्क्वायर माइनस कितना, 7 4 28 9 3 27 7 3 21 ये तो हो गया 7 4 28x माइनस 9 3 27x, ठीक है ना, n प्लस 36 n माइनस 10 बराबर 0। ये बन गया मेरे पास 21x स्क्वायर माइनस 8 7 15 5 और 2 2 4 और 1 5 55x प्लस 36 में 10 गया तो 26 मिला बराबर 0। अब ये देखना साहब इसके फैक्टर करने हैं, x की वैल्यू निकालनी। तो भाई हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हम इसका डी चेक कर लेंगे, रियल सॉल्यूशन की बात करिए उसमें। तो एक काम करो इसका डी चेक करो, डी निकाला तो ये बी स्क्वायर कितना, 55 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 21 गुणा 26। देख लो भाई ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो आपका काम हो गया। 55 का स्क्वायर, ये नंबर डेफिनेटली इससे बड़ा ही होगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है, डी ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आंसर आ जाएगा 2 सॉल्यूशन। मतलब ऐसा नहीं कि आप इसके पीछे पड़े रहे यार इसका फैक्टर नहीं हो रहा या फिर अंडर रूट में निकाले जा रहे हैं लगे पड़े, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट डी से बता सकते हैं कि रियल पूछा उसने, कितने रियल होंगे। तो इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए, आप इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अगली बात करते हैं हम लोग। इसे मिटा दिया जाए, 16 के बाद वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चंस पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करेंगे। तो आ जाइए भाई, 17 नंबर सवाल कहाँ है? वो कह रहा है कि अच्छा देखिए बहुत आसान सवाल है। 17 नंबर कह रहा है द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स का सम पूछ रहा है। नहीं ठीक है, निकालेंगे जो भी रूट्स आएंगे ना उनका सम पूछ रहा है। तो क्या लिखेंगे भाई, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर है माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 आएगा कमॉड
एन प्लस थ्री बराबर कितना जीरो, ठीक है ना। इसके रूट्स का क्या चाहिए, उसको सम चाहिए, चलिए बनाया जाए। अच्छा इस पे स्क्वायर है तो मॉड लगाया जा सकता है, तो ऐसे लिख दूं क्या, एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर बराबर एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, दोनों स्क्वायर है, तो यहां पे सॉल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं एक्स प्लस थ्री का मॉड का स्क्वायर माइनस चार इंटू मॉड एक्स प्लस थ्री बराबर कितना जीरो। फिर वही डायलॉग, एक जैसी चीजें दिखने वाले को टी मान लेते हैं, तो मैंने लिखा लेट मॉड एक्स प्लस थ्री को टी माना। चल भाई आ जाओ जल्दी जल्दी, क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस चार टी प्लस तीन बराबर जीरो। चलो तो ये मिलेगा टी स्क्वायर माइनस थ्री टी माइनस टी प्लस थ्री बराबर जीरो। तो यहां से मुझे टी के वैल्यू क्या क्या मिलेंगे साहब, ये बताइए। टी का वैल्यू एक तो वन मिलेगा और एक थ्री मिलेगा, यही लिख देते हैं वन और थ्री। तो फिर वही बात, मॉड एक्स प्लस थ्री बराबर वन लिया, तो यहां से क्या मिलेगा, एक्स प्लस थ्री बराबर प्लस माइनस वन। और अगला एक्स प्लस थ्री का मॉड बराबर कितना मिलेगा, तो वो भी थ्री है, तो एक्स प्लस थ्री बराबर कितना मिलेगा, तो वो प्लस माइनस थ्री मिलेगा। यहां पर बात करेंगे हम लोग एक्स प्लस थ्री बराबर वन, एक्स प्लस थ्री बराबर माइनस वन, एक्स प्लस थ्री बराबर थ्री और एक्स प्लस थ्री बराबर माइनस थ्री। चलो आ जाओ, तो ये मिलेगा एक्स का वैल्यू माइनस टू, ये मिलेगा एक्स का वैल्यू माइनस चार, ये मिलेगा एक्स का वैल्यू जीरो, ये मिलेगा एक्स का वैल्यू माइनस सिक्स। इन सब का सम बताइए, माइनस चार माइनस दो माइनस छः और जीरो कितना, तो माइनस छः, और उनका सम कर दिया तो इन चारों वैल्यू का सम जो आएगा वो कितना आ जाएगा भाई बताइए, एस सम। तो माइनस सिक्स प्लस जीरो माइनस सिक्स, आंसर इज माइनस बारह। एंड व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कितना रे बाबा, सी आ जाएगा, तो सम आ गया माइनस बारह। उतार डालिए इसको भी। तो देखिए बहुत आसान आसान सवाल है, इसमें कोई किंतु परंतु करने वाली बातें ही नहीं है, ठीक है ना, किंतु परंतु करने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। चलो भाई 17 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है तो उसे भी हमें देख लिया जाए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, तो क्या मिलेगा भाई क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, मेरे कुछ बच्चों से बात हुई तो बोले कि सर समेशन वाले क्वेश्चन आपने नहीं बताए, तो इसका मतलब देखिए मैं आपको दोबारा से कुछ बातें बता देता हूं। इसको कहते हैं बेटा सिग्मा, सिग्मा सिग्मा, इसका यूज क्या है, टू ऐड कॉन्टिन्यूअस थिंग्स, लगातार चीजों के जोड़ने के काम आता है, ठीक। ये पहली बात। दूसरी बात, ये क्या होता है भाई, यहां पे होती है लिमिट्स, यहां पर होता है वैल्यू, इसे कहते हैं लोअर लिमिट, इसे कहते हैं अपर लिमिट। ये सिग्मा की कहानी है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, इस सिग्मा का काम होता है टू ऐड कंटिन्यूअस थिंग्स, मतलब यहां से लोअर से लेकर अपर तक लगातार वैल्यूज का सम निकालना होता है, लगातार वैल्यूज का सम निकालना होता है। यह चीज भी मैंने आपको बेसिक मैथ्स में करवाई थी, ठीक है, क्वेश्चन शायद ना करवाया हो लेकिन इस सिंबल का मतलब मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल भी मैंने एक आध लेके बताया था। तो इस सिग्मा का मतलब, यूज इस सिग्मा का टू ऐड, ऐड मतलब जोड़ना, कंटिन्यूअस थिंग्स मतलब लगातार लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच में। अब ये तो इसके बारे में छोटी सी थ्योरी होगी, अब हम बात करते हैं इस पर क्वेश्चन की, अब इसके ऊपर बात करते हैं किसकी, क्वेश्चंस की। तो इसे हटाया जाए तो क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग अगर बात करें तो ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है भाई, द वैल्यू ऑफ, तो मैंने इसको ई मान लेता हूं, लॉग बेस, सॉरी पहले समेशन लगा हुआ है यार, सिग्मा एन बराबर वन से लेकर कितना 11, एक से लेकर 11 कंटिन्यू है भाई,
लॉग है, लो भाई 10, इधर कितना है तो 9n - 9n + 1। चलो खोलो इसको, ये समेशन डालो इसमें तो क्या मिलेगा बताइए। e बराबर आपने n बराबर 1 दिया, 1 डालो इसमें, बाहर तो लॉग रहेगा ही रहेगा, लॉग 10, अंदर कितना आएगा n बराबर 1, 9 में 8 गया 1, 1 बटा कितना 10, ठीक है भाई। फिर अगला प्लस, फिर लॉग आएगा, लॉग 10, क्योंकि लॉग तो सबके साथ है ना, n बराबर 2 लिया तो 9 दुनी 18, 18 में 8 गया तो 10 बचा, 10 बटा 9 दुनी 18 और 1 कितना 19, फिर प्लस आया तो 10 बटा कितना आ गया मेरे पास 19 आ गया, ये क्वांटिटी 10 बटा 19। फिर अगला आ जाएगा कितना, लॉग 10 19 बटा कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, एंड अप टू लॉग, अगर आप ध्यान से देखें 10 बेस है ना बेटा, सबसे बड़ी वैल्यू रख दे लास्ट वाला, तो 11 - 99 - 8, 99 - 8 कितना आ जाएगा भाई 99 - 1 कितना 91 भाई, 11 - 99 और 1 कितना 100, बस ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। हर एक बंदे के लॉग लगा हुआ है, इसका मतलब प्रॉपर्टी लग रही है लॉग की, सारे प्रोडक्ट में आ जाएंगे, इधर आ जाएगा लॉग बेस 10, 1/10, 10/19, ध्यान दीजिए 19/28, चलने दीजिए आगे बोलिए 91/100, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए, देखो ऐसे कट रहे हैं, ऐसे कट 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 कट, इधर से 1 बचा, इधर से 100 बचा, इस तरफ से ये बचा, इस तरफ से ये बचा, बाकी सब कट जाएगा। तो बताइए ना, लॉग 100 सॉरी बेस 10 है, 1/100 है तो 1/100 को 10^-2 लिख दो, आंसर -2, ये इसका उत्तर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का दिस इज द आंसर, तो जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए, जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए। 18 के बाद हम लोग बात करेंगे 19 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करेंगे। आसान आसान पेपर है, ज्यादा टफ नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता है, पेपर को एक बार हल कर लोगे तो बहुत फायदा हो जाएगा आप लोगों को, इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है। मैं तो ये नहीं कर रहा हूं कि आप देख देख के सॉल्व करें, आप फिर करें, फिर पॉज कर दें वीडियो को, फिर सॉल्व करें, फिर पॉज कर दें, फिर सॉल्व करें, और इसी प्रकार से हैबिट बनती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, और तभी जाके कुछ हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ बाबू, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, उसे इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब उसे इंटीजर वैल्यू ही चाहिए, मतलब फ्रैक्शन नहीं चाहिए, ठीक है ना भाई। तो बोलो क्या है सवाल, सवाल कुछ ऐसा है, लॉग बेस रूट एक्स, चलो आ जाओ, यहां लिखा हुआ एक्स प्लस,